हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे कुकिंग चैनल राज कुकिंग रेसिपी 2315 में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम ग्राइंडर के जार में अपनी मलाई से मक्खन कैसे बना सकते हैं। और इस ग्राइंडर में झटपट से मक्खन तैयार हो जाता है 2 से 3 मिनट में। ताजो हमें जल्दी मक्खन निकालना हो तो हम ग्राइंडर से मक्खन कैसे बनाएं, ये रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने ली है मेरे पास 2 दिन की मलाई थी और मैंने उसे अपने ग्राइंडर में डाल लिया है। और अब सर्दी का टाइम है तो अब हम लेंगे नॉर्मल पानी होता है वो मैंने लिया है 1 गिलास पानी। और अगर गर्मी का टाइम है, गर्मी के सीजन में आप लोग चिल्ड वाटर लोगे, बिल्कुल ठंडा पानी। और अब हम लेंगे नॉर्मल पानी। और हम ये पानी अपना, तो व्यूवर्स हम अपना पानी इसमें डालेंगे। 1 गिलास मैंने पानी लिया है, हमने ग्राइंडर में मलाई के साथ मिक्स कर दिया है। तो व्यूवर्स अब हम अपने ग्राइंडर का ढक्कन लगाकर इसको करेंगे ग्राइंड और फिर दिखाएंगे आपको कैसे जल्दी से मक्खन होता है रेडी। तो व्यूवर्स अब हम अपना ग्राइंडर का ढक्कन खोलकर देखेंगे, चेक करेंगे, हमारा मक्खन ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने जस्ट 1 मिनट के लिए इसको ग्राइंड किया था और मुझे इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें हल्का सा पानी और ऐड करूंगी और फिर हम निकालेंगे इसका दोबारा से ग्राइंड करके मक्खन। तो देखिए व्यूवर्स हमारा मक्खन बनकर रेडी है। मैंने जस्ट हार्डली इसको 2 या 3 मिनट इसको मैंने ग्राइंड किया है और हमारा मक्खन अच्छे से बनकर रेडी है। और अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसको। तो देखिए व्यूवर्स हमारा कितना अच्छा मक्खन बनकर रेडी है। हमें जस्ट 2 मिनट लगे अपनी मलाई से मक्खन बनाने के लिए। तो आप भी बताइए, आप भी ऐसे मक्खन बनाते हैं और आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी? हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।